हेलो फ्रेंड्स, विशूज़ किचन में आपका स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम बनाते हैं नान कटाई। तो नान कटाई बनाने के लिए हमें सबसे पहले लगेगा एक कटोरी घी। एक कटोरी घी को आप एक गोल बर्तन में लीजिए और इसको 4 से 5 मिनट तक अच्छे से चला लीजिए। ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो आप इसमें पाउडर शुगर डाल सकते हैं। तो मैंने लगभग एक कटोरी शुगर लिया है, उसमें मैंने 4 से 5 इलायची डाली है और दोनों को साथ में ही पीस लिया है। तो पाउडर शुगर हो गई है मेरी, तो मैंने इसको अभी थोड़ी थोड़ी शुगर घी में मिला के मैं इसको मिक्स करूँगी। हमें इसको 4 से 5 मिनट तक अच्छे से मिक्स करना है। अभी मैं बची हुई शुगर भी इसमें डाल देती हूँ और अच्छे से मिक्स करती हूँ। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो जब ये मिक्स हो जाए तब मैं इसमें 2 कटोरी मैदा डालूँगी। चार टेबलस्पून मैंने यहाँ पे सूजी रवा लिया है और 1 कटोरी मैंने यहाँ पे बेसन लिया है और हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसको आप सिर्फ रवा और मैदा से भी बना सकते हैं, बेसन को आप स्किप भी कर सकते हैं। जब आप इसका डो बनाते हैं, अगर डो नहीं बन रहा है तो आप इसमें पानी या दूध नहीं यूज़ करेंगे। अगर आप इसमें पानी या दूध यूज़ करेंगे तो ये नान खटाई कड़क हो जाती है। तो आप इसमें थोड़ा सा ऊपर से घी डालिए और इसको अच्छे से मिक्स करते जाइए। ये अच्छे से मिक्स होते जाएगा। 15 से 20 मिनट तक आपको इसको अच्छे से मिक्स करना है। तो अभी मैं इसको एक प्लेट में शिफ्ट करूँगी और इसको अच्छे से रगड़ रगड़ के मिक्स करूँगी। आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा बनते आ रहा है। मैंने यहाँ पे इलायची पाउडर यूज़ किया था, तो आप इसकी जगह पे आप कोई भी इसेंस भी यूज़ कर सकते हैं। इसेंस का भी स्मेल अच्छा आता है और आपको वो टेस्ट में भी अच्छा लगता है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एक चुटकी नमक यूज़ किया है जो कि हमें नान खटाई में थोड़ा सा नमकीन बन देगा। ठीक है, अभी ये थोड़ा थोड़ा बन के रेडी हो चुका है। तो हमें इसको अभी प्लेट में शिफ्ट करती हूँ और इसको रगड़ रगड़ के अच्छे से बना लेती हूँ। अभी कुछ ही देर में मेरा डो बन के रेडी हो जाएगा। आपकी हाथों की गर्मी से ये घी पिघल जाता है और डो अच्छे से बन जाता है, इसीलिए आप इसको अच्छे से मिक्स कीजिए। तो देखिए अभी डो बन चुका है, तो मैं नान खटाई का शेप बनाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे नान खटाई बनाई है, तो मैं यहाँ पे इडली पॉट को घी लगा लेती हूँ। अभी मेरा सभी प्लेट्स को घी लगा के हुआ है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, कुकर को प्रीहीट पर रखेंगे। तो अभी मैंने कुकर लिया है और इसके बेस में थोड़ा नमक डाल रही हूँ। मैंने ये नमक बार बार यूज़ किया है इसलिए थोड़ा काला हो गया है। तो मैंने इसको 5 से 10 मिनट तक प्रीहीट करना है मीडियम फ्लेम पे। तो अभी मैंने सभी नान खटाइयाँ बनाई है, अभी ये रेडी है। तो हम इसको एक एक सेट करके ही कुकर में रखेंगे। अगर आप सब एक साथ रखेंगे तो नीचे वाली जल जाएंगी। तो इसको 5 मिनट तक रखें और चेक कीजिए बनी है कि नहीं। ठीक है, फिर अभी मेरी नान खटाई रेडी है। तो प्लीज़ इन्जॉय द वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल और मुझे ज़रूर बताना कि नान खटाई कैसे बनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।